हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोदी केयर की ग्रीन टी जो कि बहुत प्योर है, बहुत नेचुरल है, उसकी बात करेंगे। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज हम इसे एज अ स्किन केयर यूज करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्लास में बॉइलिंग वाटर लिया है, उसके बाद मैं इसमें एक टी बैग ऐड करूंगी ग्रीन टी का। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं और स्किन केयर में भी ये उतना ही बेनिफिशियल है। बॉइलिंग वाटर हमने इसलिए यूज करा है बिकॉज वो अपने अंदर अच्छे से डिजोल्व कर लेगा इस ग्रीन टी के सारे न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम इस बॉइलिंग वाटर वाले मिक्सचर को कूल डाउन होने देंगे बिकॉज अभी हम इसे डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो हम एक बोल में ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन लेंगे, उसमें हम ये ग्रीन टी का मिक्सचर ऐड करेंगे तो एक थिक कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। जब आप इसे फेस पे लगाएंगे और ड्राई होने के बाद रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखेंगे कि आपके ब्लैक हेड्स जो हैं वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गए हैं। नेक्स्ट हम एक्ने मार्क्स के लिए कुछ बनाएंगे। सबसे पहले मैंने ग्लास में 2 टी बैग्स ऐड करे हैं, इसमें हम बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे, सेम रीजन के उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं इसमें। उसके बाद हम इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो इसे इस स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो इसको फ्रीज करके आइस क्यूब की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, इससे उनके फेस का जो ऑयल कंटेंट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट हमारा हेयर मास्क है, मैंने एक बोल में हनी ऐड करा है और मैं 3 स्पून्स ऑफ मोदी केयर हेयर सैलॉन प्रोफेशनल ऑयल ऐड करूंगी। उसके बाद हमने टी बैग्स लिए हैं। ये टी बैग्स हमें डायरेक्टली यूज नहीं करने, हम क्या करेंगे इसे कट करेंगे और हम इसके टी लीव्स को यूज करेंगे। हाँ जी, हम टी बैग नहीं टी लीव्स यूज कर रहे हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा सा पेस्ट की फॉर्म में मास्क प्रिपेयर हो जाएगा। आप इसे डायरेक्टली अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एक ब्रश भी यूज कर सकते हैं। आपके हेयर बहुत सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे ये अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट लास्ट हमारा एक बॉडी स्क्रब है। सबसे पहले मैंने वाटर एंड ग्रीन टी का मिक्सचर लिया है, उसमें मैंने 2 स्पून्स ऑफ शुगर ऐड करा है। उसके बाद हम इसमें मोदी केयर सैलॉन प्रोफेशनल हेयर ऑयल ऐड करेंगे और 1 स्पून ऑफ हनी भी डालेंगे। जब ये आप मिक्स करेंगे, आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे, बहुत लग्जूरियस, बहुत सॉफ्ट फील होगा। थैंक यू।